हमरी बात मानो, हमरे साथ चलो। एक बाबा है पास के गांव वाला, बहुत पहुंची हुई चीज है, उसको दिखाते हैं, सब ठीक वीक हो जाएगा। समझो खोपड़ी लगाना, दिमाग लगाना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बोलूंगा उसे समझने के लिए भी अक्कल चाहिए। अब ये कुछ नया लाए हैं हमारे बाबा रणछोड़दास? शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, अरे सरद तुम लोग पागल है क्या, गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, शरीर में शाइनिंग आती है। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो, ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो आप मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके, उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे हैं? सत्यना से नमक सुंगलम। आप ज्यादा खाते हैं बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की, किट मींस बिस्किट। कोई सेंस है इस बात की? बिस्कुट जिसमें विस कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट, और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। ये देख लो कैसे करता है ये देख। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? हमने उसे बिठाया, हमने उसे कहा बेटा ये बताओ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उसने कहा महाराज जी दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है। हमने बिठाया, हमने कहा ये बताओ तुम्हारी बहन है? बोला है। मैंने कहा तुम्हारे भांजे हैं? बोला है। मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया है? अरे कहना क्या चाहते हो? बोला माँ का पिया है। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? माँ को ही माँ क्यों कहते हो, बहन को माँ क्यों नहीं कहते? दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है। अरे निकालो इस अधर्मी को यहाँ से। गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या है, उत्तर दो। नहीं पता? इस धरती में एक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर। बात तो सही है। जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। कैंसर से लड़ने की क्षमता गौ मूत्र में है, गौवर्क में है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? किसी महिला को बेटी ही बेटी हो रही हो और बेटा की कामना हो तो क्या करना चाहिए? क्या ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के पांचवी रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, समझ रहे हो? छठी रात हुआ बेटा, सातवीं रात हुआ बेटी, आठवीं रात हुआ बेटा, नौवीं रात हुआ बेटी, दसवीं रात हुआ बेटा, ग्यारहवीं रात हुआ बेटी, बारहवीं रात हुआ बेटा, सिर्फ बारह। ये एक्सपर्ट आए क्या सर? ये जो एक्सपर्ट आए, पहले थे गुरुकुल, जिन गुरुकुलों में धर्म की पढ़ाई होती थी। फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सारे गुरुकुलों को जलाया, सारे गुरुकुलों को उजाड़ा और यीशु कुल की स्थापना की। ये यीशु कुल क्या है? यीशु मतलब ईसा मसीह। अच्छा। लेकिन आज के आजाद हिंदुस्तान में आज भी यही यीशु कुल बाद में स्कूल बन गए। ओ, गंजा गंजा। तो आप पढ़े लिखे हो? हाँ।
तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। बता, नौवीं पढ़ते हो? ये उत्तर तो हमने छठवीं सातवीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फर्स्ट माइनस की 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार। अच्छा, हमको सिखा दिया है माइनस। आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? जोड़ना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। पता नहीं क्या जुड़ जाएगा। पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। गजब तो भी आ जाती। और मेरा आपसे एक सवाल ये है गुरुजी, जब हम मंदिरों में जाते हैं तो पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करने को कहा जाता है, महिलाओं को इसकी मनाही है, तो इसका मुझे कारण जानना था गुरुजी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्त्रियों के जो स्तन होते हैं वह पृथ्वी माँ में टच नहीं होना चाहिए। कहते हैं, ऐसी मान्यता मैंने बचपन से सुनी है कि पृथ्वी माँ एक माँ है और वो ये भार सहन नहीं कर पाती। गुरु जी, मेरा ये सवाल है कि हम लोग शिव चर्चा से जुड़े हैं, शिव गुरु को गुरु माने। हाँ। तो उन लोग बोलता है कि ओम नहीं कहना है, नमः शिवाय सब करना है। केवल नमः शिवाय जी? तो हाँ। नमः शिवाय ठीक है कि ओम नमः शिवाय ठीक है? रुको जरा, सबर करो। जो प्रणव ओमकार है ना, उसके लिए मना किया गया है। कौन सा ओम? गहरा ओम। ठीक है, समरिया। ये इससे क्या होता है कि स्त्री जो गर्भाशय होता है ना, ये नाभि से ओम निकलता है। तो स्त्री जब नाभि से ओम का उच्चारण करती है, गहरा ओम, तो उससे ना जो हमारा गर्भाशय होता है महिलाओं का, वो डैमेज होने की संभावना हो जाती है। इसलिए स्त्रियों को गहरा ओम बोलने से मना करते हैं। कुछ भी क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल बटन होगी यूट्यूब पर, आप मोबाइल निकाल लीजिए अपने लोग, जितने लोग बैठे हैं। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर म्यूजिक। सासाराम सतपाली धरी रंकार सदा पंडित राम रहे राम पर राधे माए। और जितना देश के ढोंगी साधु हैं, इन सबको मालूम नहीं है कि आइंस्टीन कौन है, डाल्टन कौन है, न्यूटन कौन है, आर्किमिडीज कौन है, गैलीलियो कौन है, रदरफोर्ड कौन है, एडिसन कौन है, ये सब साइंस फाइंस जानते नहीं। समझा था ना?